कट गया वर्जन 3 वाले का। अरे चालान की बात कर रहा हूँ। तो NH30 पे चल रहा है फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन का काम, तो यहाँ से लेना पड़ेगा हम लोगों को सिंगल लेन। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं हूँ दनियामा में और यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा जाम लगी हुई है। किसी तरीके से निकलने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। और शिट, सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज, इट्स आकाश, आर यू गाइज डूइंग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने काम से, ऑफिस के काम से, पटना से नालंदा डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और 220 वाले को देखो यार, ट्रिपिंग है, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना है और हाईवे पे चला रहे हैं भाई साहब। अगर ये वीडियो बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, राइड सेफ और प्लीज़ हेलमेट लगा लिया करो यार। बाल खराब होने से कुछ नहीं होगा, सेट कर लोगे वापस बट यार ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी तुम्हारी। सो प्लीज़ राइड सेफ और हेलमेट लगा लिया करो। तो गाइस मैं जा रहा हूँ फिलहाल अभी पटना से हिलसा और दिखाऊंगा आपको कि रास्ता कैसा है फिलहाल अभी पटना से हिलसा जाने का। और रास्ते में मिलता है एक्चुअली दनियामा, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगती है हमेशा, जब भी आता हूँ तब भी वहाँ पे मेरे को जाम मिल जाती है। एनीवेज राइट नाउ हम क्रॉसिंग पटना टोल और यहाँ पे भीड़ नहीं है उतनी जितनी होती है हमेशा। और शायद से यहाँ पे चेकिंग लगी हुई है, तो देखते हैं मुझे रोकते हैं या नहीं। ऑल दो मेरे पास सारे पेपर्स हैं, सारे पेपर अपडेटेड हैं। देखो ये 220 का था शायद, नहीं ये नहीं है यार, इसने हेलमेट लगाया हुआ है। तो आगे लगी है चेकिंग, चलो देखते हैं कि मुझे रोकते हैं या नहीं। मेरे पास पेपर तो सारे हैं बट स्टिल यार। तो गाइस ये रहा पटना टोल और यहाँ पे हमेशा जाम लगती है, बट राइट नाउ अभी जाम नहीं है फिलहाल और एकदम बंदा आराम से सोया हुआ है सेठ की तरह। बचने का कोई उपाय नहीं है बिकॉज दोनों साइड से लगी है चेकिंग। क्यों भाई साहब, सही है ना? ओके कट गया R15 वाले का तो। चलान की बात कर रहा हूँ। तो यार मुझे तो नहीं रोका अभी तक और लगी है तगड़ी वाली चेकिंग और गया भाई, ये पकड़ा गया भाई साहब। सेठ जी जा रहे हैं आगे, कोई टेंशन नहीं। तो भाई यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा, 4 लेन पकड़ूँगा और वहाँ से सीधा अपने डेस्टिनेशन पे जाऊँगा। एनीवेज कुछ लोगों ने मुझे बताया है यहाँ पे कि 4 लेन पे थोड़ा चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, लाइक उसमें कुछ रिपेयरिंग हो रही है एक साइड से, तो एक लेन बंद करा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि क्या कंडीशन है फिलहाल अभी 4 लेन हाईवे की, NH30 की। और ये रहा अपना JCB का शोरूम, अपना नहीं, यू गॉट द पॉइंट राइट। और इसकी राइडर खुद तो जाएगा, दूसरों को भी लेके जाएगा। तो यहाँ से लेना है हमें राइट और लेफ्ट जाते तो हम लोग चले जाते हैं फतवा डायरेक्ट, बट यहाँ से 4 लेन पकड़ना हमें, तो जा रहे हैं हम लोग राइट। और फिलहाल बस थोड़ी ट्रक ट्रैफिक है और यहाँ लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं भी बाइक धीरे ही चलाऊंगा, मैं एवरेज स्पीड मेंटेन करूंगा 50-60 किलोमीटर पर आवर की। और जब भी इस हाईवे पर आता हूँ तो यार अलग ही मज़ा आता है बिकॉज़ हाईवे काफ़ी क्लियर मिलता है और दोनों साइड से ग्रीनरी है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे और काफ़ी एयरी एयरी सा फील आता है। सीरियसली मैं तो डर गया यार। तो गाइस टोल क्रॉस करने के जस्ट 5 या 6 किलोमीटर के बाद ये यहाँ पे रोड को सिंगल लेन बना दिया गया है बिकॉज थोड़ा बहुत वहाँ पे रिपेयर हो रहा है रोड और चलाना थोड़ा सा रिस्की है, बट स्टिल धीरे धीरे ही जाऊंगा बिकॉज मैं जा रहा हूं अभी फ़िलहाल ऑपोजिट रोड में जहां से गाड़ियां अपने आ रही हैं, तो मुझे चलाना होगा थोड़ा धीरे। और इस साइड देख सकते हैं आप रिपेयरिंग का काम चालू है, तो चलो देखते हैं कितनी दूर तक ये रोड रिपेयर हो रहा है बिकॉज बाइक से चलो ठीक है, बाइक से थोड़ा सा उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट कार से अगर आप आओगे तो देख रहे हो कि गाड़ियाँ ओवरटेक एक दूसरे को कर रही हैं, तो कार से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके आपके लिए अगर आप कार से आते हो। तो मैंने हाईवे ऑन कर लिया है ताकि सामने वाले को दिखे और ये भाई साहब बिना डरे हुए रोड क्रॉस कर गए। सबसे पहले देखते हैं कि कितनी दूर तक ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मैंने 2 किलोमीटर लगभग बाइक चला दी और आप देख सकते हैं कि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है।
तो आपको आइडिया हो गया होगा कि रोड अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप बाइक से आओ तो ज़्यादा अच्छा है। चलो देखते हैं यार आगे की और कहाँ तक है ये। आई थिंक यहाँ से फिर हमें मुड़ना है। ओके नहीं, सीधा ही आना है। 4.6 किलोमीटर। वैसे ये एक लेन भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट इफ इन केस अगर ट्रक ट्रैफिक होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अचानक से। और यहाँ से हम लोगों को फाइनली मिल गया है 4 लेन। और मैं दिखाता हूँ कि ये फिर से दोबारा कहाँ से शुरू है। ये है नया वाला जो वाटर पार्क है ना, ये यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये वाटर पार्क है, यहाँ से फिर से आपका 4 लेन चालू है। मैं यहाँ पहले कभी गया तो नहीं, बट डेफिनेटली कोरोना जब ख़त्म होगा ना तो डेफिनेटली मैं यहाँ जाऊँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से फतवा है 2 किलोमीटर, बख्तियारपुर 25 और बिहार शरीफ इज़ 55 किलोमीटर, और यहाँ लिखा है खुसरूपुर इज़ 9 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। मतलब क्या कहने यार, ना हेलमेट है कुछ नहीं है। एनीवेज ये सामने चला जाएगा बख्तियारपुर, और हमें जाना है नीचे से। तो नीचे से जाते वक्त अगर आप देते हो लेफ्ट तो चले जाओगे आप फतवा के साइड, और अगर आप देते हो राइट तो आपको स्ट्रीट में मिलेगा दनियामा। यहाँ रुकते हैं पहले एक बार, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको। अगर आप इस साइड जाते हो तो चले जाओगे फतवा, और मुझे जाना है राइट बिकॉज मुझे जाना है दनियामा, दनियामा से फिर आगे हिलसा। तो चलो चलते हैं फिर। तो दोस्तों मैं हूँ फिलहाल अभी दनियामा से थोड़ा पहले, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि गया यहाँ से 86 किलोमीटर है राजगीर है, और बार 64 किलोमीटर है यहाँ से। तो मुझे जाना है हिलसा, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो स्ट्रेट जाते हैं और मिलेगा आगे दनियामा। दनियामा में यार बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो चलो देखते हैं दनियामा में जाम मिलता है या नहीं। वैसे जितनी बार मैं यहाँ आया हूँ दनियामा में हमेशा जाम मिला है, और वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर जाम मिलेगा तो। लेट्स सी। तो दोस्तों इसका डर था वही हुआ, देखो यार जाम लगी है गंदी वाली, ऊपर से गर्मी वैसी है काफ़ी ज़्यादा, कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको पहले फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जाम से निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यार हमेशा से मुझे समझ में नहीं आता था कि यहाँ से लोग मछली क्यों खरीदते हैं। दनियावा में आपको मछली बहुत अच्छी मिलती है। जब मैं छोटा था मेरे पापा की पोस्टिंग नवादा में थी, तो जब भी हम यहाँ से पटना जाते थे तो पापा हमेशा यहाँ से मछली खरीदा करते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मछली काफ़ी अच्छी मिलती है ऐसा मैंने सुना है। तो यार अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हो गया कन्फ्यूज़, राइट जाऊँ कि लेफ़्ट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, यार कहीं तो निकलूँ। चलो जाने दे भाई, जाने दे जाने दे जाने दे। ओके यू कैन गो नाउ। तो मिल गया मुझे थोड़ा सा स्पेस, और वेट 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 वेट, शिट फंस गया। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा शर्ट कम्प्लीटली भींग चुका है। एनीवेज अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको बिहार शरीफ नवादा, बट मुझे जाना है राइट बिकॉज मुझे जाना है हिलसा एज यू ऑलरेडी नो। तो उसके लिए मुझे फॉलो करना पड़ेगा स्पेंटर वाले भैया को, क्योंकि इनको भी आना है शायद राइट, एंड थैंक्स टू द पुलिस बिकॉज ऑफ देम हमें थोड़ी जगह मिल गई और हम आगे जा सकते हैं अब। और यहाँ से रास्ता काफ़ी क्लियर है जो मुझे पता है, तो चचा हट जाइए यहाँ से। यार रास्ता सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंगल ही नहीं है बट स्टिल अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, और का फोन आ रहा है शायद, रुक के बात कर लेते हैं। बोध गया इज 122 किलोमीटर।
दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा था, राइट साइड भी पेड़ पौधे लगे हैं एंड लेफ्ट साइड भी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के लिए और ठंड लगती है थोड़ी बहुत। प्योरिटी ऑफ नेचर यार, आई हैव नो आइडिया कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, बट स्टिल यार नज़ारा बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के लिए। तो दोस्तों मेरे लेफ्ट साइड में है दनियामा जंक्शन, छोटा सा ही है। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हिलसा और ये रेलवे ट्रैक बहुत ही ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है बिकॉज़ मैं फर्स्ट टाइम जब आया था यहाँ से तो गिर भी गया था। तो एनीवेज मैं पहुंच गया हिलसा, यहाँ से काम करके फिर वापस घर जाऊँगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.